करें बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स सबसे विश्वसनीय शॉप लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। हमारे माननीय एसपी साहब नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है और साथ ही साथ आपको बता दें कि सिवान का जिला स्थापना दिवस भी है और इस मौके पर जिले भर में कार्यक्रम का आगाज किया गया है। अभी हम मौजूद हैं सिवान के गांधी मैदान में और आपको बता दें कि यहाँ पे छपरा से आए हुए एक आर्टिस्ट हैं अशोक कुमार, काफ़ी चर्चित आर्टिस्ट हैं और उनके द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक यहाँ पे आकृति बनाई गई है। तो इस तस्वीरों को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राजेंद्र बाबू की जो आकृति है वो यहाँ पे किस तरीके से बनाई गई है और कलरफुल यहाँ पे ये दिया गया और ऊपर में आप देख सकते हैं कि माई वोट मैटर्स और ये कितना खूबसूरत ये रेत पे यहाँ पे ये बनाई गई है और काफ़ी वक्त लगा है, काफ़ी मेहनत हुई है। अशोक जी इसके आर्टिस्ट हैं और इसको लेकर के ये छपरा से इनको जिला प्रशासन के लोगों ने बुलाया है। तस्वीरें आप फिर से ये आप देख सकते हैं कि कैसे कितनी बारीकी के साथ, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो दिखाएं कितनी बारीकी के साथ राजेंद्र बाबू की जो प्रतिमा को आकृति को बनाई गई है। अपने कैमरामैन से चाहेंगे आगे आएँ, आगे आकर के और दिखाएँ यहाँ पे कि किस तरीके से आकृति को बनाई गई है और जो रूप दिया गया है बिल्कुल राजेंद्र बाबू का रूप है। एक एक चीज़ों पे आप ध्यान दे करके और देख सकते हैं कि किस कितने अच्छे अंदाज में इस आकृति को बनाई गई है। और ये छपरा से चल करके अशोक कुमार जो सैंड आर्टिस्ट हैं और ये लगातार कोई ये नए नहीं है, सिवान में खास करके इस बार जिला प्रशासन के द्वारा बुलाया गया है। ये बताइए कि ये क्या बना है आप? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सिवान में पहली बार अपने देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर ये सैंड आर्ट बनाने का जिला प्रशासन ने बुलावा किया, हमारे यहाँ बनाए, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सबसे पहले हमारे देश रत्न के लिए इनका जयंती है, सबको बधाई है। और ये पूरा सारा बिहार नहीं, पूरे भारत के देश रत्न हमारे हैं और हम लोग उनको दिल से सैल्यूट करते हैं। और इनके जो भी बताए हुए मार्ग हमको चलने की ज़रूरत है, सिर्फ जयंती मनाने से तो जो भी हम मनाते रहेंगे लेकिन इनकी बातों को भी हमको समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। एक चीज़ बताइए, हम लोग लगातार देखते हैं आप अशोक जी छपरा से हैं और लगातार कोई भी किसी तरह की चीज़ें होती है तो अचानक आप रेत पर बना देते हैं, ये सब हुनर जो है आपने कहाँ से सीखा है? जी बिल्कुल, ये सबसे पहले तो एक बड़ा पेंटिंग सीखना पड़ा हमें और पेंटिंग सीखते सीखते ये रुचि नदी किनारे हो, मेरा घर है और बालू से खेलते खेलते ये दिल में आने लगा कि ये एक अलग ही कोई कलाकृति हो सकती है इस बालू से। तो हमने धीरे धीरे बनाना शुरू किया। आज जो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं हर जयंती पे या कुछ ऐसा विशेष दिन होता है मैं अपने सैंड आर्ट के जरिए मैसेज देने का। अभी तक अशोक जी आपने कहाँ कहाँ जा करके इस तरह की आकृति को बनाने का काम किया है? जी बिल्कुल, ये जैसे अपना सोनपुर मेला हो गया विश्व प्रसिद्ध है, उसमें पटना में और आप सिवान हो गया, छपरा में, तो मैं हर जगह जिला प्रशासन को बोलती है बिहार दिवस पे हो वैसे कोई ऐसा ओकेजन हो ऐसा सैंड आर्ट। तो इसमें आपने क्या कुछ बनाया है थोड़ा सा हम चाहेंगे कि ये बताएं, बताते रहें, कैमरामैन से चाहेंगे वो दिखाते भी रहें और आप बताते भी। सिवान का स्थापना दिवस भी है तो इसमें हमने सिवान का जो लोगो है नक्शा जो है पीछे हमने राजेंद्र प्रसाद के पीछे हमने उसको दर्शाने का प्रयास किया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुस्कान भरी चेहरा और फिर माई वोट मैटर्स, हमने उस सिंबल को दिखाया है जो कि हमें वोट करना बहुत ज़रूरी है, ये जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मत का प्रयोग करें और उसकी कदर करें, समझें उस चीज़ को, तो वो दिखाया गया है। ये फिर वो हम लोग जो ईवीएम का जो सेट है उसको दिखाया गया कि रेड और ग्रीन का और सीरियल नंबर, ये एक पूरी तरह से हमको मैसेज देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप वोट जरूर करें, इसकी
जो जरूरत है समझे और अपने मतदान को जरूर से जरूर करें, ये जागरूकता के लिए ये स्टैंडर्ड। कितना वक्त लग गया यहाँ पे आ जाए, आप पीछे जा जाए, कितना वक्त लग गया? ये कल शाम में हमको सिर्फ स्टॉल बालू का स्टॉक किए हम लोग, इसको मैंने कैनवास हम लोग तैयार कर दिया, आज सुबह हम लोग 7:30 बजे लगे हैं और अभी तक ये बन के रेडी है। तो बिल्कुल आपने देखा कि आप अपना पूरा नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले? मैं अशोक कुमार छपरा, सारण बिहार। बिल्कुल ये छपरा के रहने वाले हैं और जैसे कि अशोक कुमार है, एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश रत्न के नाम से जाने जाते हैं, बहुत सारे लोग बाबू के नाम से भी इन्हें बुलाते हैं और इससे ये आप देख सकते हैं कि कैसी आकृति बहुत कम समय में और इन्होंने तैयार कर दी। हालांकि थोड़ी देर में जिलाधिकारी आएंगे और इन तमाम चीज़ों का यहाँ निरीक्षण करेंगे क्योंकि बहुत स्टॉल भी यहाँ पे लगाए गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से आज सिवान जिले का स्थापना दिवस भी है और साथ साथ आपको बता दें कि पूरे देश भर में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस जयंती को मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी आतिफ के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बढ़हरिया रोड त्रिभेरिया सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट, कॉन्टेक्ट करें 06154 2457109 03 05 5622। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, साथी हॉस्पिटल बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर चकिया रोड यदुवंशी नगर सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड सिवान, कॉल करें 8757309680 9162673618।